देखिए, मौलिक अधिकारों की विवेचना के अंतर्गत समानता का अधिकार 14 से 18 में 14 क्या कहता है? विधि के समक्ष समता। देखो ये हर चीज हर तरीके से बात कर रहे हैं, और मुख्य उद्देश्य कि जिस तरीके से क्वेश्चन आए आप उसके लिए पहले से प्रिपेयर रहेंगे। तो ये विधि के समक्ष समता क्या पार्ट 3 के अंतर्गत आता है या नहीं, क्या मूल अधिकार के अंतर्गत आता है या नहीं? मूल अधिकार का पहला पार्ट समता का अधिकार के अंतर्गत आता है या नहीं? और समानता का अधिकार में क्या कहा गया कि समानता का अधिकार लोकतांत्रिक व्यवस्था की रीढ़ की हड्डी है। ठीक है, ये सब क्वेश्चन आप लोग लिखेंगे, आप क्लास में अभी साथ साथ लिख रहे तो ठीक है, नहीं तो बाद में आप प्ले करके उसको पॉज करके ये सब क्वेश्चन आप जरूर से जरूर लिखेंगे। समानता का अधिकार लोकतांत्रिक व्यवस्था के रीढ़ की हड्डी है, कैसे? विवेचन करें, परिभाषित करें। बोलिए, इस भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 से 18 में समानता का अधिकारों पर प्रकाश डाला गया, तो जाहिर सी बात है समानता का अधिकार अगर 14 से 18 इन पांचों आर्टिकल को अगर प्रकाश डाल देना तो आपको समझ में आ जाएगा कि हमारी समानता का अधिकार वो लोकतांत्रिक व्यवस्था के रीढ़ की हड्डी है, कैसे? बोलो जी, भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त समानता का अधिकार के पीछे प्रेरणा स्रोत कौन है? तो फ्रांस, इंग्लैंड, संयुक्त राज्य अमेरिका का संवैधानिक विकास रहा है। समानता के अधिकार से संबंधित उपबंध निम्नलिखित हैं जी, तो 14 में क्या है कि कानून के समक्ष समानता। जैसा बोलोगे कि रीढ़ की हड्डी कैसे भय, तो कैसे नहीं है, तो कानून के समक्ष समानता। 14 से 18 में ऐसे ऐसे कानूनों का विवरण दिया गया है, ऐसे ऐसे कानूनों का समावेश किया गया है जिससे हम परिपूर्ण सहमत हो सकते हैं कि समानता का अधिकार हमारे मूल, हमारे लोकतांत्रिक व्यवस्था की रीढ़ की हड्डी है। दिस आर्टिकल इज बैकबोन ऑफ आवर डेमोक्रेटिक इंडिया। नहीं, 14 में कानून के समक्ष समानता के अधिकार की विवेचना की गई है। इसके अनुसार राज्य, राज का मतलब देश जी, किसी भी व्यक्ति को कानून के समक्ष समानता तथा कानून के समान संरक्षण से वंचित नहीं करेगा। यहां राज का मतलब देश से है, ठीक है। कानून के समक्ष समानता का मतलब क्या है कि कानून की नजर में सभी व्यक्ति समान होंगे। अन्य शब्दों में यह भी कहा जा सकता है कि भारत में दोहरी विधि प्रणाली नहीं है, समान स्थितियों में सबके साथ समान व्यवहार किया जाएगा। देखो मार्केट में जो हो रहा उस पर नहीं फोकस करना जी, उस पर फोकस करोगे तो आप पढ़ लिए तब पता चलेगा, वही सब पे ध्यान देने का काम करोगे नहीं, जो कानून है उस पर फोकस कीजिए। और अगर कब आप कल को आप उच्च पदाधिकारी बने तो फोकस कीजिए उसको सुधार कैसे करेंगे। आपके ऊपर बर्डन रहेगा, मंत्रियों का बर्डन, आपके उच्च पदाधिकारियों का बर्डन, आपके निम्न पदाधिकारी भी रहेंगे, लेकिन वहां पर हाउ यू हैंडल ऑन डेट सिचुएशन देर इज कंसर्न नहीं। तो समान स्थितियों में सबके साथ समान व्यवहार किया जाएगा, प्रत्येक व्यक्ति कानून के समक्ष समान है, प्रत्येक व्यक्ति कानून के समक्ष समान है तथा किसी भी व्यक्ति को कानून के समान संरक्षण से वंचित नहीं किया जा सकता है। नहीं, अच्छा, विधि या कानून के समक्ष समानता का अधिकार एक नेगेटिव कॉन्सेप्ट है। देखो जी, नकारात्मक अवधारणा है। देखिए अभी यहां से क्वेश्चन, तो ये सारा क्वेश्चन का लिस्ट हमको चाहिए, इसलिए आप हमारा जो
अनएकेडमी है या एचआर एकेडमी यूट्यूब है, उसमें जब डालते हैं तो उस क्वेश्चन को आप पूरी तरीके से लिखिए कि विधि या कानून के समक्ष समानता का अधिकार एक नकारात्मक अवधारणा है, निगेटिव कॉन्सेप्ट है, आप कैसे सहमत है इस स्टेटमेंट से। तो इसका अर्थ यह है कि किसी व्यक्ति को विशेष अधिकार नहीं दिए गए हैं और कोई भी व्यक्ति कानून से ऊपर नहीं है, तो आपको ये पहलू दिखाना पड़ेगा। नहीं 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 वाला देखे, नहीं नहीं वाला क्या मौलिक अधिकार के अंतर्गत रखा गया है, तो क्या आपको विशेष अधिकार दिया गया है? नहीं। क्या आप कानून के ऊपर हैं? नहीं। किसी भी व्यक्ति को समान संरक्षण से वंचित किया जाएगा? तो नहीं। अतः भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त अधिकारों को सकारात्मक पक्ष है। अब देखिए, अब पूछ दे कि सकारात्मक पक्ष है तो कैसे? तो इसका आशय है कि प्रत्येक व्यक्ति के साथ सभी समान परिस्थितियों में समान व्यवहार किया जाएगा। तो कभी अगर नकारात्मक पूछ दिया तो नेगेटिव वर्ड टाइप का वर्ड यूज कीजिए, अगर सकारात्मक पूछा है तो पॉजिटिव टाइप का वर्ड यूज कीजिए। क्या लिखने की कला क्या धीरे धीरे सुधार होंगे या नहीं? तो कानून के समक्ष समानता का आशय यह नहीं कि सभी व्यक्ति बिल्कुल एक समान है। हेलो, ये नेगेटिव थॉट आ गया कि नहीं? अभी बोले सभी व्यक्ति समान है बाबू। तो यहां पर आपको समझाना है कि आपको जैसे दिया गया है कि आप कैसे सहमत हैं, प्रूव करें, या ऐसे शब्दों का आप बारे में बताइए जिससे नकारात्मक अवधारणा सकारात्मक अवधारणा में बदल जाए। तो आप नकारात्मक को दिखाते हुए सकारात्मक पक्ष को रखना पड़ेगा और ये आपको दिखाना पड़ेगा कि अगर इस अगर ऐसा ना हो तो फिर कैसा हो? अच्छा, कहा जा रहा बिल्कुल एक समान है या व्यक्तियों के मध्य जो असमानता नहीं था उसे समाप्त कर दिया जाए। समानता का सही है कि जिन व्यक्तियों की परिस्थितियां एक समान हैं उनके साथ एक जैसा व्यवहार किया जाना चाहिए। अन्य शब्दों में यह भी कहा जा सकता है कि समान व्यक्तियों के लिए समान कानून होना चाहिए, परंतु इसका आशय भी नहीं है कि सभी व्यक्तियों के लिए एक ही कानून हो। इसका वास्तविक आशय यह है कि समाज की भिन्न भिन्न श्रेणियों के लिए भिन्न भिन्न कानून हो सकते हैं, परंतु ये वर्गीकरण युक्तिसंगत एवं तार्किक आधार पर ही किए जाने चाहिए। ठीक है। अच्छा, इन तथ्यों को ध्यान में रखते हुए समानता का अधिकार निम्न की आज्ञा प्रदान करता। देखिए, समानता का अधिकार क्या आज्ञा प्रदान करता? तो पहला, कानून की दृष्टि से भिन्न भिन्न वर्गों के व्यक्तियों के लिए अलग अलग वर्गीकरण किया जा सकता है। दूसरा, कुछ विशेष प्रकार के अपराधों पर मुकदमा चलाने के लिए विशेष अदालतों का भी गठन किया जा सकता है। तो समानता का अधिकार के अंतर्गत रखा जा रहा ना जी, कानून की दृष्टि से वर्ग तो भिन्न भिन्न होंगे तो उसके व्यक्तियों के लिए अलग अलग वर्गीकरण किया जा सकता नहीं? आप देखोगे किया गया है, कई देखोगे आपको कई अलग अलग सुविधाएं दी गई है अनुसूचित जाति के लिए, अनुसूचित जनजातियों के लिए, उनके लिए कोर्ट की व्यवस्था की गई है, शिक्षा की व्यवस्था की गई है, नौकरी की व्यवस्था की गई है, बहुत सारा नहीं? अच्छा, तो कुछ विशेष व्यक्तियों को विशेष परिस्थितियों में विशेष अधिकार दिए जा सकते हैं। विधि के समक्ष समता का अपवाद, देखिए अब अपवाद क्या है? विधि के समक्ष समता के अधिकार के कुछ अपवाद भी। पहला, व्यवहारिक स्तर पर ऑन बिहेवियर लेवल विदेशी राजदूतों दूतों को घरेलू विधि से समक्ष समानता के सिद्धांत स्तर पर डोमेस्टिक मेथड। नेक्स्ट, संवैधानिक स्तर पर ऑन कॉन्स्टिट्यूशनल लेवल। तो बिहेवियर, डोमेस्टिक, कॉन्स्टिट्यूशनल नहीं जी। अच्छा, राष्ट्रपति और राज्यपालों के लिए विधि के समक्ष समानता का सिद्धांत लागू होता है। राष्ट्रपति या राज्यपाल को अपने किसी भी संवैधानिक कार्य के लिए न्यायपालिका के समक्ष उत्तरदायी नहीं ठहराया जा सकता है। कोई भी कानून अगर बना, मान लीजिए गलत है, सही नहीं है, तो क्या वहां पर राष्ट्रपति और राज्यपाल को उत्तरदायी ठहराया जा सकता है या नहीं? नहीं। क्यों? क्योंकि जो करते तो कैबिनेट मंत्रिमंडल ना करते हैं जी जी। तो वहां पर राष्ट्रपति राज्यपाल का मेन काम क्या होता है? साइन हस्ताक्षर कीजिए, कागज को आगे बढ़ाइए। तो बताइए, क्या उत्तरदायी राष्ट्रपति राज्यपाल होंगे? नहीं।
नहीं होंगे। और सिविल मामले में राष्ट्रपति एवं सिविल में क्या संपत्ति, विवाह, तलाक, सिविल मामले के अंतर्गत क्या क्या देखने को मिल रहा, संपत्ति, विवाह, तो शादी बोल के याद रखिये ना, तो स्वस्थ सिविल, स्वस्थ संपत्ति, स्वस्थ शादी, और शादी के बाद होता तलाक। आजकल फैशन बन गया शादी के बाद तलाक होने का, नहीं पता नहीं लोगों के बीच का जो मिसअंडरस्टैंडिंग है वो लोग खत्म नहीं करना चाह रहे, एक सॉरी बोलकर खत्म किया जा सकता है, लेकिन नहीं, लेकिन एक सॉरी वर्ड बोलने पर लोगों को लगता है कि हम छोटे बड़े। अगर सॉरी बोलकर अगर बीच की दीवार को खत्म किया जाए, दुश्मनी मित्रता में बदल जाए तो नहीं। चलिए, तो कहा जा रहा कि सिविल मामले बोले तो संपत्ति, शादी, तलाक में राष्ट्रपति और राज्यपाल के कार्यकाल में कोई आपराधिक वाद शुरू किया जा सकता है, परंतु तो राष्ट्रपति को इनकी सूचना 2 महीने पहले दी जानी चाहिए। अब देखिये नेक्स्ट है,